न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं को आगामी लोकसभा चुनाव में हार का डर सता रहा है। यही कारण है कि प्रदेश के नामी नेता चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहले ही चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। अब इसी कड़ी में और कई दिग्गजों के नाम शामिल हो गए हैं, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, क्या वजह है जो कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर इतनी घबराई हुई है? देखिए, निश्चित ही आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में लोकसभा के चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। जहां कांग्रेस 15 फरवरी तक अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जो है स्थानीय तौर पर जो चेहरे आगे होने चाहिए और जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता ने जिस तरीके से रणनीति बनाई है, उसके बावजूद जिस तरीके से कांग्रेस अपने बड़े दिग्गज नेताओं को चुनावी रण में उतारने की तैयारी कर रही है, उसके उलट स्थिति हमको स्थानीय तौर पर नजर आ रही है। कांग्रेस के जो दिग्गज नेता चुनावी मैदान में सक्रिय नजर आने चाहिए थे, वो कहीं ना कहीं चुनाव मैदान से गायब नजर आ रहे हैं। हम इंदौर की बात कर ले तो कांग्रेस लगातार 35 वर्षों से यहाँ पर लोकसभा के चुनाव नहीं जीत पाई है। इसी के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जो हैं, वो पहले ही लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। वहीं हम अन्य नेताओं की बात कर ले जो मध्य प्रदेश के नामी और सक्रिय राजनेताओं में कांग्रेस के शुमार होते हैं, वो भी लगातार लोकसभा चुनाव से कतराते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी है, उनकी चिंताएं बढ़ चुकी है और लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के नाम की घोषणा का जिस तरीके से जीतू पटवारी दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं खोखला ही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनाई है कि दिग्गज नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा और ये भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में किया, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो इस रणनीति में फंसती हुई दिखाई दे रही है और जो बड़े दिग्गज नेता है वो चुनाव मैदान में दिखाई नहीं दे रहे और चुनाव लड़ने की उनकी कोई भी मंशा इस वक्त स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रही है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज जो नेता हैं वो इस लोकसभा चुनाव में उतरने से किनारा करते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी लगातार मध्य प्रदेश में सक्रिय है और रणनीति बनाते हुए नजर आया, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो पिछड़ती हुई लोकसभा चुनाव से पहले हमको दिखाई दे रही है। संदीप, अगर आने वाले दिनों की बात की जाए तो आने वाले दिनों में क्या लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से कोई दिग्गज नेता मैदान में उतर सकता है? देखिए, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में अपने तमाम दिग्गज नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा था, फिर हम प्रहलाद सिंह पटेल की बात कर ले या फिर कैलाश विजयवर्गीय की बात कर ले या फिर अन्य नेताओं की बात कर ले जो प्रदेश के साथ साथ देश की राजनीति में भी लगातार सक्रिय नजर आते थे, उसी कड़ी में अब यही जो समीकरण है वो कांग्रेस अपनाना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी से एक कदम आगे रखते हुए जो कांग्रेस वो अपने दिग्गज नेताओं पर लोकसभा चुनाव की जो दारूमदारी है वो छोड़ना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो इससे किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। हम अरुण यादव की बात कर ले या फिर हम सुरेश पचौरी की बात कर ले या फिर हम दिग्विजय सिंह की बात कर ले, तमाम वो चेहरे जो मध्य प्रदेश कांग्रेस में कहीं ना कहीं सक्रिय रहते हैं और अपनी भूमिका लगातार जनता के बीच में लगातार अपनी कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ाते रहते हैं। अलग अलग समुदाय से ये नेता आते हैं, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से ये लोकसभा चुनाव से पहले अनसक्रिय नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इनकी एक्टिविटी मध्य प्रदेश में नजर नहीं आ रही है, इससे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की चिंताएं तो बढ़ती ही है। लेकिन ये भी स्पष्ट रूप से सामने आता है कि कहीं ना कहीं ये जो नेता है ये लोकसभा के चुनाव के रण में उतरने से इनकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं इनकी सक्रियता जो है वो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की चिंताएं बढ़ा रही है। ऐसे में अब ये माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो है वो कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और भले ही पीसीसी की ओर से ये लगातार दावा किया जा रहा हो कि तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा हमको स्थानीय तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है। हम इंदौर की ही बात कर ले तो इंदौर में लगातार 2018 में जिस तरीके से 4 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, बावजूद इसके लोकसभा चुनाव यानी 2019 में जो कांग्रेस के लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को 5 लाख वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 09 यानी पूरी की पूरी विधानसभा सीटों पर अपनी फतेह हासिल
की है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के प्रत्याशी उनको लोकसभा चुनाव में हार का डर सता रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं अगर हम बात करें तो 35 साल से इंदौर में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कमबैक करने का मौका नहीं दे रही है। भले ही कांग्रेस ने रव विधानसभा से जीतू पटवारी को पीसीसी बना दिया, लेकिन बावजूद इसके इंदौर में अगर देखा जाए तो इंदौर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ संघ का भी गढ़ माना जाता है, और मालवा निमाड़ का एक महत्वपूर्ण जो अंग है वो इंदौर कहलाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जीतू पटवारी की जो है वो चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है, और इंदौर समेत हूबहू स्थिति जो है वो पूरे मध्य प्रदेश में हमको दिखाई दे रही है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जो है उनको कहीं ना कहीं हार का जो डर है वो भी सताता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि जो दिग्गज नेता हैं वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से किनारा कर सकते हैं, और इसकी वजह भी राम मंदिर को भी मानी जा रही है। इसी के साथ साथ मोदी जो मैजिक लगातार 2012 से चला आ रहा है उसका पीछे होने का भी इसमें तर्क दिया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस में संगठन और पार्टी कार्यकर्ता के बीच में एक समन्वय लेकर लगातार काम करती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो है वो समन्वय और पार्टी और संगठन में हमको दिखाई नहीं देता है। यही कारण है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव मैदान में उतारने की जो रणनीति है वो कांग्रेस की ओर से बनाई जा रही है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता इन सारी चीजों से किनारा करते हुए हमको नजर आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में ऐसा हो भी सकता है कि कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो चुनाव मैदान में नहीं उतरे। संदीप, वर्तमान में कांग्रेस के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति दिखाई पड़ रही है? देखिए, अगर रणनीति की हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लगातार मालवा निमाड़ के दौरे पर है और लगातार अपनी सक्रियता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, और विधानसभा चुनाव में मिली हार का समीक्षा बैठक लगातार ले रहे हैं और कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों राजगढ़ में भी देखा था जब दिग्विजय सिंह पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। वहीं अगर हम पीसीसी की बात करें तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के साथ लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर है। हाल ही दिनों में वो अपने खुद की विधानसभा राव पहुंचे थे, उसके बाद में वो लगातार ग्वालियर चंबल दौरे पर भी हमको नजर आए थे, जहां उनके साथ उमंग सिंगार ने भी कदम ताल किया था। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दिग्विजय सिंह तो मध्य प्रदेश में सक्रिय है ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी लगातार राजधानी भोपाल कांग्रेस कार्यालय स्थित कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे, विचार विमर्श कर रहे, और किस तरीके से लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जाए, किस तरीके से किन दिग्गज नेताओं को क्या क्या जिम्मेदारी दी जाए, इन तमाम बारीकियों पर मंथन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ आने वाले दिनों में कांग्रेस और राहुल गांधी की एक बड़ी यात्रा भी मध्य प्रदेश में आने वाली है। ग्वालियर चंबल वो इलाका होगा जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा फरवरी और मार्च में यहाँ पर दस्तक देगी, और लगभग 9 से 10 लोकसभा सीटों पर जाने की संभावना है। ऐसे में जो तमाम कांग्रेस के तमाम बड़े कार्यकर्ता हैं वो इस तैयारी में जुटे हैं, और किस तरीके से इसका राजनीतिक फायदा जो है लोकसभा चुनाव के लिए लिया जाए, इसकी जो रणनीति है वो कांग्रेस की ओर से बनाई जा रही है, और इसकी प्लानिंग जो है वो पीसीसी लगातार करते हुए हमको नजर आ रहे हैं। ऐसे में निश्चित ही माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो लोकसभा के तमाम प्रभारी हैं उनके साथ साथ जो जीतू पटवारी है वो भी मध्य प्रदेश में और सक्रिय नजर आएंगे, और जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस की आने वाली है इसमें तमाम आने वाले दिनों में हमको पीसीसी के साथ साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे, और इसका फायदा लोकसभा में कैसे उठाया जा सके इसको लेकर भी रणनीति कांग्रेस की ओर से तैयार की जाएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब कांग्रेस जो है वो लोकसभा चुनाव में घबराई हुई नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव में कौन से बड़े दिग्गज नेता मैदान में उतर सकते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।